नमस्ते एवरीवन, मैं मिसेज पूजा नरवाल आप सबका स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम सलवार की बेल्ट को परफेक्टली ऊपर से कैसे मोड़ें और जो इसकी नाड़ा डालने वाली मोहरी होती है यानी हम जिसे चिड़िया कहते हैं उसे अच्छे से कैसे मोड़ें, तो चलिए सीखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर अपनी बेल्ट को कट कर लिया है और यह हमारे बेल्ट है जो जहाँ से हम इसकी चिड़िया को फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए मैंने हाफ इंच ऊपर से और एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिर दोबारा नीचे से एक निशान मार्क किया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और बीच में जो एक इंच का हमने गैप छोड़ा है वहाँ से हम सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ पर मेरी बेल्ट की लंबाई 26 इंच है और इसकी जो ऊंचाई है वो 7.5 इंच मैंने कट की है। यहाँ पर बेल्ट का साइज आपकी शेप के अकॉर्डिंग रहने वाला है, वो सभी के लिए सेम नहीं रहता है। जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा है आपको सेम उसी तरीके से यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी हैं। मैं आपको यहाँ पर बिना किसी कटिंग के वीडियो दिखा रही हूँ ताकि आप यह प्रोसेस पूरा अच्छे से समझ सकें। एक्स्ट्रा जो धागे होंगे उन्हें हम कट कर लेंगे। यह देखिए मैंने यह सिलाइयाँ जो सीधी लगने वाली थी वो लगा ली हैं। अब हम अपनी चिड़िया को बनाएंगे, तो इसके लिए हम बेल्ट को सीधा करेंगे और जो हमने सिलाई लगाई थी उसको बीच से खोलते हुए पार्टीशन कर लेंगे। यह देखिए जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब यह देखिए जमने हम पर गैप छोड़ा था वहाँ के चारों तरफ हम एक एक पाँव का मार्जिन देते हुए एक पक्की सिलाई लगा लेंगे और अपनी चिड़िया को यहाँ से पक्का कर लेंगे। यहाँ पर सलवार की चिड़िया बनाने के और भी कई तरीके हैं, मैं उनमें से आपको एक सिखा रही हूँ। आने वाली वीडियो में आपको मैं और तरीके भी सिखाऊंगी। यह देखिए हमने चिड़िया के चारों तरफ से एक पक्की सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर से नाड़ा डालने के लिए बेल्ट को फोल्ड करने वाले हैं, तो उसके लिए हम तकरीबन 1.5 इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे और आगे से 1/2 इंच अंदर दबाते हुए हम इसकी किनारी किनारी से पक्की सिलाई को लगाएंगे। अब इसी प्रकार से हम चारों तरफ से 1/2 इंच का कपड़ा अंदर देते हुए अपने जो बेल्ट है उसके नेफे को मोड़ लेंगे। इस नेफे को हम मोड़ने के लिए पक्की सिलाई का प्रयोग करेंगे। यह देखिए हमारी चारों तरफ से सिलाई लग चुकी है। हम दोबारा से चिड़िया के पास आ गए हैं और यहाँ से आप उल्टा सीधा करके चिड़िया के पास से नेफे को पक्का कर लें ताकि हमारी यहाँ से धागे हैं जो वो न निकले। एक्स्ट्रा के धागों को कट कर लेंगे। यह देखिए कितनी आसानी से हमने सलवार की जो बेल्ट होती है उसके नाड़ा डालने के लिए जो हम नेफा बनाते हैं वो कितना इजीली हमने बना लिया है और कितनी सफाई के साथ। ऐसे ही हमने इतनी सफाई के साथ यहाँ पर चिड़िया को भी कंप्लीट किया है। चिड़िया बनाने के और भी प्रोसेस हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगी। तो आज की यह वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।